हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके यहाँ पर भी ये रेसिपी बनाई जाती है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर नहीं बनाई जाती तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा। तो ये मैंने ली है 1 कप चने की दाल। ये अच्छी तरीके से वॉश करके हम 1 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद देखते हैं ये किस तरीके से भीग के तैयार हो गई। ये देखिए काफ़ी फूल गई है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमें इसको बॉईल करना है तो उसके लिए मैं पानी रख दूँगी उबलने के लिए। और फिर ये चने की दाल हमने अच्छे से धो ली है, पहले तो 3 से 4 पानी से पहले धोई थी और 3 से 4 पानी से ही फिर धो ली है जब फूल गई है। तो यहाँ पे मैंने रखा है 1.5 गिलास पानी ताकि इसको अच्छे तरीके से हम बॉयल होने के लिए रख दे चने की दाल को, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट चाहिए। आप ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं, पर कुकर में दाल ज़्यादातर घुट जाती है। हमें ये बिल्कुल मैशी दाल नहीं चाहिए, घुटी हुई दाल नहीं चाहिए। हमें ये थोड़ी सी चंकी दाल जैसे, मतलब साबुत भी हो और वो सॉफ्ट भी हो अंदर से, तो हमें उस तरीके की चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ये खुले में ही उबाली जाए। और चलिए, इसमें डाल दिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, जो कि घर की रेगुलर हमारी रेड चिली होती है वही डाली है मैंने। और उसके बाद में डाल दिया है मैंने यहाँ पर ½ चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। और यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी लगती है, और यूपी साइड में तो बहुत ही बनती है। अक्सर यूपी वालों को तो ये बनाए हुए देखा ही जाता है, उनके घरों में अक्सर ये दाल बनती है। चलिए दाल को उबलने देते हैं, फिर ये देखते हैं। तो बीच बीच में मैंने ये दाल चेक कर ली थी, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही ये दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये, इस तरीके से हमें बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से चाहिए और ये साबुत भी चाहिए। इसको हमें बिल्कुल भी, मतलब कि ना तो इसमें पानी मॉइस्चर रहना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल घुट जानी चाहिए। तो जिस तरीके की हम दाल बनाते हैं वो नहीं चाहिए हमें। ये थोड़ी सी, इसको कहते हैं खड़ी वाली दाल। तो चलिए इसके लिए एक थोड़ा सा, जब तक दाल ठंडी होती है, थोड़ा सा इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और उससे पहले करेंगे हम एक मसाले की तैयारी। तो ये मैंने ½ चम्मच लिया है जीरा पाउडर और 1 चम्मच लिया है सौंफ का पाउडर, सौंफ ली है। और उससे पहले लिए हैं मैंने यहाँ पर 4 से 5 दाने काली मिर्च के, और 1 चम्मच ले लिया है मैंने साबुत धनिया। ये क्रश करके लेंगे। ये कुटे मसाले बहुत बढ़िया फ्लेवर देते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा इनका अरोमा आता है। और फ्रेश कुटे धनिया पाउडर का तो वैसे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो चलिए यहाँ पर इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसको हमें मटलर से कूट लेना है। इसको हम खलबट्टे में डाल के कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल, और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर। इसको अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में हमें इसमें डाल देना है जीरा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल दूँगी जीरा। तो हमने जीरा मसाले में भी भुना है और यहाँ पे भी डालेंगे, क्योंकि जो तेल में भुने हुए जीरे का टेस्ट ही अलग आता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी ये दाल। तो ये दाल को अब अच्छी तरीके से हमें भूनना है, बहुत अच्छे से हम इसमें भून देंगे। बहुत अच्छे से इसमें शाइनिंग आ जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें ½ चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ½ चम्मच गरम मसाला, और पिंच में डाला है मैंने हींग, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप लहसुन का भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला है। तो चलिए एक आटा तैयार कर लेते हैं जब तक ये मसाला हमारा तैयार होता है। नमक ऐड नहीं किया है मैंने वहाँ पर, क्योंकि नमक मेरा बिल्कुल ठीक था। वहाँ पे ज़रूर आप चेक कर लें कि आपकी दाल का नमक कैसा है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आटा लगाऊंगी। आटा ले लिया है 2 कप, और इसमें मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 2 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर घी। घी से बहुत अच्छा सा इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी, बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। तो चलिए ये अच्छा सा आटा लग गया है हमारा। इसको करने देते हैं 5 से 7 मिनट तक रेस्ट, और उसके बाद में हम इसके करेंगे प्रिपरेशन आगे की। और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से, जो दाल का मसाला है वो भून के हो गया है तैयार, और ठंडा भी हो गया है। अब इसको हम और अच्छे तरीके से ठंडा होने देते हैं, और बहुत बढ़िया से ये हमारा मसाला बनके तैयार हो जाता है। यही मसाले को अगर आप चाहें तो आप इससे पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आलू टिक्की बनानी है तो ये मसाला आपका उसमें भी चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो हमने मसाले भुने थे वो डाला है, और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे आमचूर पाउडर भी। बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और ये देखिए अब इस अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसको रेस्ट करने देते हैं। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल मैशी नहीं है और ना ही दरदरी है, बिल्कुल बहुत अच्छी सी दाल है हमारी। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद में मैं ये आटे को बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लूँगी एक बार फिर, क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छा लगा है। आटा बिल्कुल अच्छा लगेगा तो हमारी रोटी पराठे ये कुछ भी आप उससे बनाते हैं, पूड़ी वगैरह बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ की लोई, और लोई को लेने के बाद में अब मैं इसको एक कटोरी का शेप दूंगी। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हुए, और एक्स्ट्रा आटा झाड़ भी देना है हमें, इसमें रखना नहीं है। और यहाँ पर अब मैं ये कटोरी की शेप देने के बाद में इसमें डालूँगी स्टफिंग। स्टफिंग खूब सारी हम इसमें ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच जो टेबल स्पून होता है वो खाने वाला वो भर के डाल रही हूँ। और यकीन मानिए इतनी बढ़िया ये पराठे बन के तैयार हुए थे, बहुत ही सभी लोगों को बहुत पसंद आए, और आशा करते हैं यह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये दाल हम भर लेंगे इसके अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से इसको लॉक कर देंगे। तो ये अच्छी तरीके से अंदर दब जाएगा, तो ये बहुत सेटल हो जाएगा। इस तरीके से हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि सारी दाल अंदर सेट हो जाए। और उसके बाद में थोड़ा सा आटा लगा के इसको एक बार और इस तरीके से हम बढ़ाएंगे, तो ये दाल बिल्कुल भी हमारी फटेगी नहीं। और एक्स्ट्रा आटा छाटते हुए इसकी बना लेंगे एक रोटी, क्योंकि हम बना रहे हैं पराठे। तो जी हाँ, चने दाल के पराठे बनाए जा रहे हैं, और आप चाहे तो इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं। तो चलिए ये देखिए बहुत बढ़िया सा ये पराठा बनके तैयार कर रहे हैं हम। और ये देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है, क्योंकि दाल हमने बहुत अच्छे से पहले ही लोई के अंदर ही सेट कर ली है। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। और देखिए दाल अंदर से झांक रही है कि मेरे को देखो कि मैं कितनी अच्छी दाल सेट हो चुकी हूँ, और बहुत बढ़िया से ये देखिए एक तरफ से सिक चुका है। तो अब मैं इसको तवे को अच्छे से गर्म करना है, और लो टू मीडियम गैस पे हमें सेकना है ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर से भी सिक जाए। वैसे तो दाल हमारी पकी हुई है, लेकिन फिर भी हमें इसको अच्छी तरीके से अंदर तक सेक लेना है। और इस तरीके से घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं उसको लगाते हुए इसे दबा दबा के हमें सेक लेना है। चलिए इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए हम सेक लेते हैं, और उलटते पलटते हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, और सारे ही पराठे हम सेक के रख लेंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे पराठे बनके हो गया तैयार। मैं आपको इसकी स्टफिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से अंदर भर के स्टफिंग आई है, और हमारे यहाँ पर इसको खाया जाता है आमरस के साथ में। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये खाई जाती है आमरस के साथ, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये देखिए हमारे पराठे सारे सिक चुके हैं, बढ़िया लग रहे हैं, और बहुत अच्छी स्टफिंग।